इस प्रश्न के माध्यम से बतलाते हैं कि संपत्ति के जीवन में विस्तार करके अपने पंखों की सामर्थ्य को लेकर के उस प्रकाश को ज्ञान को सूर्य को प्राप्त करने का प्रयास किया, पतन हुआ। लेकिन यही पतन के बाद उसका संयोग हुआ किसके किसके साथ, बोले संत के साथ। और संत के साथ जब संयोग होता है तब जैसे कि वो स्वयं कहते हैं देह जनित अभिमान छुड़ावा, तो देह का जो अभिमान है वो अभिमान जाता रहा, और जैसे ही अभिमान जाता रहा तो निश्चित तौर पर अब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं संत या सद्गुरु की आवश्यकता है। सद्गुरु के माध्यम से शरण गुरु के शरणागत होकर के उस प्रकाश तक, उस ज्ञान तक जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ये इस प्रश्न का भाव है। हम दो बंधु प्रथम तरणाई गगन रहे रवि निकट उड़ाई, ये संपाति। अब इसको इस तरह से भी हम योग की दृष्टि से भी इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति यदि अपनी पुरुषार्थ से किसी साहित्य से यदि किसी से सुन के ये समझ जाए कि ज्ञान जो है या प्रकाश स्वरूप भगवान जो है हमारे सहस्रार्थ चक्र में है, ये प्रसंग को मैंने कभी इस बात इसमें सुना था कि वास्तव में संपत्ति और आयु की जो यात्रा है वो यात्रा जो है सूर्य तक पहुंचने की यात्रा जो है जीव की अपनी मूलाधार चक्र से सहस्त्रार्थ चक्र तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है, ऐसा कभी मैंने सुना था। हमने सुन तो लिया, शास्त्रों में इसको अध्ययन तो कर लिया कि सबसे पहले मूलाधार चक्र की उस शक्ति को जगाया जाए और किस माध्यम से कैसे इस शक्ति को जगाई जाती है, और जगा करके यदि हम उसी के आधार पर चलने का प्रयास करें तो शायद हम जल नहीं जाएंगे। जैसे संपाति जो है सूर्य के निकट गया और जल जाता है, उसी तरह यदि हम भी अगर सद्गुरु के मार्ग के निर्देशन में मार्गदर्शन में करें तो शायद हम अपनी कुंडलिनी में, अरे कुंडलिनी तक शक्ति को, कुंडलिनी शक्ति को जागरण करना कोई छोटी मोटी साधक या योगी की बात, छोटे मोटे बस की बात नहीं है, एक योगी की बात है। और योगी उसको योग के द्वारा से उस शक्ति का जागरण करके अपनी सहस्रार्थ चक्र पर जा करके अपने ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और अपने अस्तित्व को समझता है, ब्रह्म और जीव में एकता को वह प्रतिपादन करता है और अपने स्वरूप को जानकर मुक्त होता है। तो संपत्ति और इस संस्मरण में सूर्य तक पहुंचने की यात्रा अर्थात ज्ञान को, प्रकाश को प्राप्त करने की यात्रा जो है, हम केवल अपनी पुरुषार्थ के माध्यम से ही, हम पुरुषार्थ के साथ साथ सद्गुरु की भी आवश्यकता है। आप देखेंगे इस दो पात्र रामचरितमानस का ये दो गिद्ध जो है, और दोनों गिद्धों का पतन हुआ है। एक का पतन अभिमान के वश हुआ है, लेकिन एक
जटायु का पतन जो है भक्ति की सुरक्षा और उसकी रक्षा में जो है पतन हुआ है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है वहां पर जटायु को भगवंत मिला और लेकिन यहां संपाति को संत का दर्शन हुआ। तो इस दोनों पक्षियों के माध्यम से हम मानव समाज को क्या फोकस कराना, क्या संदेश देना, क्या उपदेश देना चाहते हैं गोसाई तुलसीदास जी। तो गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया आप अपने जीवन में पुरुषार्थ के साथ साथ, और इसलिए रामचरितमानस में एक बड़ी आप जरा अयोध्या कांड के पूर्वार्ध में महाराज दशरथ जी का राम जी को राज्य सौंपने की जब बात आती है तो वहां संतों ने ये बात रखी कि अब जो सत्ता जो है युवा शक्ति को अर्पित कर दी जाए और युवा शक्ति के साथ स्वयं अपना देख करके, यानी क्या अपने जो है अनुभव शक्ति वृद्ध हो करके अनुभव शक्ति को युवा शक्ति के साथ मिला करके राज्य की सुदृढ़ता को आगे बढ़ाया जाए, राज्य को सुचारू रूप से संचालन करके आगे बढ़ाया जाए। महाराज दशरथ की राम जी को युवराज पर अभिषित करने का एक भाव है पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी, उस राम राज्य को, राम जी को युवराज पद घोषित करने के माध्यम से ये संकेत करते हैं कि युवा शक्ति को अनुभव शक्ति के साथ या वृद्ध शक्ति के साथ जोड़ करके राज्य को एक नियर एक बढ़िया व्यवस्था दी जाए। ये संकेत पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी प्रसंग में करते हैं। इस प्रसंग में संपाति और जटायु और इस हम दो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई में ये संकेत करते हैं कि भैया आपका पुरुषार्थ है, ठीक है, पुरुषार्थ के साथ साथ जब तक जो है संत की शरणागति, सदगुरु की शरणागति नहीं होगी तब तक जो है आप जो साधना के पथ पर बढ़ रहे हैं वह आपका पतन का कारण हो सकता है। लक्ष्मण जी महाराज की भगवान मूर्छा के बाद, मूर्छा से वापस जब लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण जी को भगवान राम ने पूछा, बोले लखन लाल आज तक हम दोनों ने इतनी लंबी यात्रा की, सबसे सुखद लंबी यात्रा आपकी कौन सी रही? तो लखनलाल जी महाराज भगवान राम से कहते हैं, बोले भगवान मैं मेरी इतनी जम्पी यात्रा में से सबसे आनंदमय यात्रा, मैं मूर्छित अवस्था में था उस समय मेरी यात्रा हुआ। तो लखनलाल जी को भगवान ने पूछा, बोले लक्ष्मण कैसे बात करते हो, तुम तो सोए हुए तो मूर्छित अवस्था में है तो कहां तुम्हारी यात्रा चल रही थी? तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, मेरे प्रभु, बोले उसी समय की मेरी यात्रा अच्छी यात्रा थी, क्योंकि जब मैं मूर्छित हुआ लंका के रणांगण में तो मेरे प्रभु की हनुमंत लाल जी महाराज ने अपनी गोद में उठाया, मुझे अपनी गोद में उठाया अर्थात संत ने अपनी गोद में उठाया और मुझे आपकी गोद तक ला दिया, अर्थात संत की गोद से भगवंत की गोद तक की यात्रा मेरे जीवन की सबसे सफल यात्रा रही, मेरे भगवान, मेरे राम, मेरे प्रभु। ये लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं और यही मैं कहना चाहता हूं, संपाति जो है काम किया, बोले कौन सा, अभिमान के वश में हम दो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई, बोले केवल और केवल प्रदर्शन की वृत्ति को लेकर के कहां तक, सूर्य तक पहुंचना और सूर्य तक पहुंचने का, प्रकाश तक पहुंचने का, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास शायद संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक जो है संत की शरणागति और भगवंत की शरणागति, संत की शरणागति के द्वारा ही, संत के बताए हुए, सद्गुरु के बताए हुए मार्ग के माध्यम से भगवंत के गोद तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन संपाति गलती कर बैठा, अभिमान के वश में क्या करता है, चला गया प्रकाश को पकड़ने का तो दूर, उसकी तेज से ही क्या हो गया, संपाति गिरता है और पतन हो जाता है। लेकिन संत की कृपा पड़ी, परिणाम ये भी है साधना के द्वारा जो है साधक जो आगे बढ़ता है, भले अपेक्षित परिणाम तक ना मिले लेकिन भगवान देख रहा है, भगवान की कृपा बरसती है और जब कृपा बरसती है तब कोई ना कोई संत को भेजता है, सतगुरु के रूप में भेजता है। और यही उठाने के लिए बोले संपाति को
मुनि नाम का चंद्रमा नाम का मुनि एक नाम चंद्रमा हो ही भगवान की कृपा होगी। हमने संत कभी कभी किसी शास्त्रों में किसी साहित्यों में हमने पढ़ा है भगवान प्राप्त होते हैं ईश्वर प्राप्त होते हैं जब संत की कृपा होती है और कहा कि संत तब प्राप्त होते हैं कब जब भगवान की कृपा होती है। और इस बात को लंगनी ने भी बताया कि राम जी की कृपा से मुझे आप मिले हनुमान जी महाराज आप भगवान की कृपा से। तो कहने का तात्पर्य होता है कि साधक जो है चंद्रमा जो है एक साधक के रूप में साधक जीव के संपत्ति को एक साधक जीव के रूप में लें और यदि वो ज्ञान की ओर प्रकाश को प्राप्त करने की ओर साधकना के मार्ग पर पुरुषार्थ के मार्ग पर बढ़ रहा है तो यदि उसका पतन हो भी गया अभिमान लेकर के आगे बढ़ रहा है यद्यपि अभिमान को लेकर के आगे बढ़ना नहीं चाहिए अगर बढ़ भी रहा है तो मान लीजिए उसको मार्ग में आगे बढ़ने का ही परिणाम ये होता है कि भगवत कृपा से और भगवत कृपा से संत का मिलन होगा और संत का जब मिलन होगा तब संत जो है क्या करेंगे तो जो देह जनित अभिमान है जैसे संपत्ति के जीवन में देह जनित अभिमान को छुड़ाया और तब वो दावा करता है बोले कौन सा मैं देखूं तुम नहीं नहीं दृष्टि अपार करते ये दावा करता है कि अब मैं देख रहा हूँ और वो कैसे देख रहा हूँ क्या कि गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका तहरावन रह सहजय शंका ताशोक उपवन बन रही। वहीं पर जो है अशोक नाम का वृक्ष है और सीता बैठ यानी शांति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा श्री सीता जी का जिनको अन्वेषण के बंदर भालू कर रहे हैं उनको वो देख देता है रोक देता है कैसे बोले 100 योजन समुद्र के पार जो है बैठी थी शांति स्वरूपा और सीता और श्री सीता जी कौन है तो कहा श्री सीता जी वही जिसको पाने के लिए संपत्ति ने यात्रा की थी। बोले किसको प्रकाश को पाने के लिए वही सीता जी को अब बैठे बैठे देख लेता है कि वहां है त्रिकुट पर्वत में अशोक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ और वो सीता जी कौन है राम जी और सीता जो है दोनों अभिन्न कहियत भिन्न न भिन्न। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रसंग आत्मसंस्मरण जो है संपाति अपना बतलाता है उसके माध्यम से हम जनमानस को हम मानव समाज को ये संकेत देता है कि बोले ये उपदेश देता है कि भैया आप अपनी पुरुषार्थ से साधना के पद पर बढ़ो लेकिन एक बात ध्यान रखना कि संत के भगवंत और जीव के बीच में संत का होना अर्थात सद्गुरु का होना सद्गुरु के मार्गदर्शन में सद्गुरु के निर्देशन में आप पुरुषार्थ करके साधना में बढ़ें तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन की कोई शांति हमारे जीवन तक को ईश्वर की प्राप्ति होगी। यही इस प्रसंग का भाव और इसी के साथ इजा सुनाम भवे अपने वाणी विराम देता हूँ। लखन सिया राम चंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। वैसे यह इतिहास कहने में संपाति की चतुरता प्रसंग के प्रति उसकी दृष्टि और दूरदर्शिता आदि गुण प्रकट होते हैं। 100 योजन सागर इनको लांघना पड़ेगा यह बात वह जानता है और आकाश में उड़कर ही लांघना पड़ेगा यह सूचित किया। बहुत ऊंचे जाकर उड़ने का प्रयत्न करोगे तो सूर्य के तेज से जलकर सागर में गिर पड़ोगे। अभिमानवश हट करके यह काम न होगा इसलिए संपाति अपनी यह सब कथा बता रहा है इतिहास बता रहा है। जवानी के अविवेक की मद से करोगे तो अपयश और विनाश होगा। जटायु छोटा भाई जवान था पर अविवेकी और अभिमानी नहीं था इसलिए सूर्य के निकट न जाकर वह लौट आया पर मरण के समय श्री राम सच्चिदानंद दिनेश उसके पास आ गए। विश्वविदित कीर्ति और मुनि दुर्लभ गति उसने पाई और मैं बड़ा भाई होकर भी अभिमानवश अविवेकी बन गया और यहाँ इस दीनहीन पराधीन छेड़ निरंतर भूखा लाख वर्ष पड़ा हूँ। यह उसके कहने का अर्थ है क्योंकि वह भविष्य को देख रहे हैं कि ये सभी बंदर आगे इसी तरह खोज जाएंगे। श्री वाल्मीकि रामायण के
सर्ग 58 में संपाति कहता है कि जब इंद्र वित्तासुर के